अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां शामिल हो रही हैं। बड़ी ये रैली की गई है और इसमें जन समर्थन जुटाने के लिए आम आदमी पार्टी अब डोर टू डोर जा रही है, लोगों को निमंत्रण दे रही है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के संयोजक गोपाल राय हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। ये किस तरह से आप निमंत्रण दे रहे हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं, क्यों गिरफ्तारी हुई है? देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने गिरफ्तार करवाया है, उसी दिन से दिल्ली के लोगों में आक्रोश है। लगातार आंदोलन चल रहा है, लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं। कल जब मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट के अंदर ये बात रखी कि किस तरह से केवल आरोपों के आधार पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके आरोप पर गिरफ्तार किया गया, उससे 60 करोड़ रुपया भाजपा ने लिया चंदा में और उसको बेल दे दी गई, तो आरोपों के आधार पर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल हो गई और 60 करोड़ रुपया लेकर के जो गिरफ्तार था उसको जो है बेल मिल गई। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। लोगों के मन में आक्रोश है कि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और उसी के विरोध में रामलीला मैदान में 31 तारीख को पूरी दिल्ली इकट्ठा हो रही है। पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर्स आ रहे हैं। हम आज से घर घर अभियान शुरू किए हैं, डोर टू डोर पूरे दिल्ली में अभियान चल रहा है। आज और कल सभी कार्यकर्ता अलग अलग मोहल्लों में, गांव में घूम रहे हैं। हम सबको इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादती हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाहीपूर्ण काम हो रहा है, तो आप भी रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे जरूर पहुँचें। कौन कौन से नेता आप बता सकते हैं? इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी तो आप कह रहे हैं, पर कुछ नेता भी आप बता सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये रैली कितने बड़े स्तर पर हो रही है या कितनी कामयाब हो सकती है? देखिए, कामयाबी की तो बात यह है कि पूरी दिल्ली वहाँ इकट्ठा हो रही है। मेरे ख्याल से अब तक रामलीला मैदान में जितने लोग इकट्ठा हुए थे वो सारे रिकॉर्ड रामलीला मैदान तोड़ेगा। दूसरी चीज़ कि इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं के आने का जो है उसमें प्लान बन रहा है और जल्दी वो लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी, हम आपको घोषित कर देंगे। एक बस सवाल ये और उठेगा कि रामलीला मैदान जहाँ से आप लोगों की उत्पत्ति हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन चला, वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ करता था, यहाँ पे कांग्रेस भी आपके साथ ही खड़ी होगी इसमें? देखिए, पहली बात कि ना हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है, ना हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। जब रामलीला मैदान में इकट्ठा हुई थी, लड़ाई हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और अब तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। कल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे उस लड़ाई में वो साथ में खड़े थे, आज इस तानाशाही के खिलाफ जो लोग हैं वो साथ में खड़े हैं और रामलीला मैदान से इस बार तानाशाही को खत्म करने की आवाज़ देश भर में गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ मैं शरद शर्मा, NET मीडिया।